नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से आप सभी के लिए एक लेटेस्ट जानकारी लेकर आया हूं, स्कूल साथियों के लिए, अभिभावकों के लिए और बोर्ड कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए, यानी कक्षा 10 व कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए। और लेटेस्ट जानकारी ये है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा बोर्ड कक्षा यानी कक्षा 10 व कक्षा 12 की सेशन 2020-21 के लिए बोर्ड फॉर्म भरने शुरू हो गए। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। वीडियो के अंदर मैं आपको बोर्ड फॉर्म 2021 के बारे में लेटेस्ट जानकारी, ये कब तक भरे जाएंगे, क्या प्रोसेस रहेगी, पूरी जानकारी बताऊंगा वीडियो के साथ, वो आप बने रहे। दोस्तों, काफी दिनों से स्कूल साथियों, अभिभावकों के और जो बोर्ड कक्षाओं के जो विद्यार्थी थे उनको इसी बात का इंतजार था कि आखिरकार सेशन 2020-21 यानी बोर्ड परीक्षा 2021 के बोर्ड फॉर्म है वो कब से भरने शुरू होंगे। आखिरकार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर या आरबीसी बोर्ड अजमेर के द्वारा बोर्ड फॉर्म है कक्षा 10 या फिर कक्षा 12 के कब तक भरवाएंगे। तो भैया, यहाँ पे आप सबका इंतजार खत्म हो गया है और अब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा सेशन 2020-21 के कक्षा 10 और कक्षा 12वीं के बोर्ड फॉर्म भरवाने की तिथि है वो जारी कर दी गई है। सबसे पहले आपको बताऊंगा इसकी लास्ट डेट की कि आखिरकार ये बोर्ड फॉर्म है वो कब तक भरे जाएंगे। तो दोस्तों, इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 नवंबर 2020 है, यानी आप कक्षा 10 या फिर कक्षा 12वीं के बोर्ड जो विद्यार्थी है उनके जो बोर्ड फॉर्म है आप 30 नवंबर 2020 तक वो भर सकते हैं। देखिए दोस्तों, फिलहाल आज यानी 26 अक्टूबर 2020 को बोर्ड के द्वारा सूचना जारी की गई है और अगले 2-3 दिन बाद में बोर्ड फॉर्म वो भरना शुरू हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आप सबके पास केवल 1 महीना है और इस 1 महीने के अंदर आपको कक्षा 10 या फिर कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के बोर्ड फॉर्म है वो आपको भरने पड़ेंगे। साइट का जो लिंक है वो जल्द ही अगले 2-3 दिन में है वो एक्टिव हो जाएंगे। देखिए, ये तो रही बोर्ड फॉर्म की बात, इसके अलावा बात करते हैं कुछ विशेष पॉइंट की जिसके अंदर स्कूल साथी, अभिभावक और जो बोर्ड विद्यार्थी हैं यानी कक्षा 10 व कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं, जरा गौर करके आप सुन लीजिएगा। देखिए दोस्तों, आप सबको पता है कि भैया कोविड-19 को चलते सारी जो पढ़ाई है वो अस्त व्यस्त हो गई, तो ऐसे में कुछ ऐसे जो स्कूलें थी वो अपने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रही थी और कुछ नहीं भी कर रही थी। तो ऐसे में काफी सारे ऐसे जो विद्यार्थी हैं वो किसी दूसरे स्कूल से ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे और कुछ अभिभावक ये मान रहे थे कि भैया इससे अपने बच्चे है इसका जो एडमिशन है इसी नई स्कूल में करवाएंगे और विद्यार्थी भी ये सोच रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, सभी स्कूल साथी, अभिभावक और जो स्टूडेंट है बोर्ड कक्षा के उनको ध्यान देना है। अब आपका अपना मानस है वो बना लेना है कि आखिरकार आपको कौन सी स्कूल में बोर्ड फॉर्म भरवाना है, क्योंकि वरना आप है वो रह जाओगे बीच में, आप रह जाओगे क्योंकि आप ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। क्योंकि मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि आप ऑनलाइन क्लासेस तो ले रहे हो किसी नए स्कूल के अंदर और आपकी जो टीसी पड़ी हुई है, आपके जो डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं वो पुराने वाले स्कूल के अंदर पड़े हुए हैं। तो ऐसे में देखिए, आपके जो दस्तावेज है, आपका पूरा जो बायोडाटा है वो तो पुराने स्कूल के पास, और नए स्कूल वालों के पास तो आपकी कोई जानकारी नहीं है, केवल आपका मोबाइल नंबर हो तो कुछ जानकारी नहीं। और भैया, जब आप बोर्ड फॉर्म भरोगे तो उसमें आपके पुराने वाले स्कूल की टीसी की आपको जरूरत पड़ने वाली है, इसके अलावा पिछली जो क्लास आपने जो पास आउट की उसकी जो मार्कशीट है उसकी प्रतिलिपि वगैरह वगैरह, बहुत सारे एसआर की बहुत सारी जानकारी है जो बोर्ड फॉर्म भरते समय हर एक स्कूल साथियों को ऑनलाइन है वो भरनी पड़ती है स्टूडेंट की जानकारी के अंदर। तो ऐसे में यदि अभी तक भी आपने मानस नहीं बनाया तो भैया आज ही मानस बना लो और अगले 1 या 2 दिन के अंदर अगर आप नए विद्यालय के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो तो भैया पुराने वाले स्कूल से अपनी टीसी कटवा करके नए विद्यालय में आया आप जमा करवा दो, नए स्कूल में आप जमा करवा दो। वरना पुराने वाले तो ये सोचेंगे यार ये बच्चा तो इस स्कूल में चला गया, और नए वाले ये सोचेंगे यार ये स्कूल के डॉक्यूमेंट ही नहीं है, तो भैया बोर्ड फॉर्म वो आपके नहीं भरे जाएंगे। तो यहाँ पर स्कूल साथी भी ध्यान दे, अगर आपके भी यहाँ पर ऐसे कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो आपके स्कूल के अंदर ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और अभी तक आपके विद्यालय के अंदर टीसी उन्होंने जमा नहीं करवाई है या अपने दस्तावेज जमा नहीं करवाए हैं, तो आप उनको थोड़ा सा टाइटली अभी देखिए हम सबको बोलना पड़ेगा, क्योंकि काफी दिनों से हम बोल भी रहे थे तो काफी जो अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, वो ये नहीं सोच रहे थे यार चलो डॉक्यूमेंट है वो अपने आप जाके जमा करवा दें, क्योंकि मेरे एरिया में भी ऐसा हो रहा है। तो ऐसे में आपको थोड़ा ध्यान रखना है
और पूरा जितने भी आपके स्कूल के अंदर स्टूडेंट हैं उनकी एक पूरी लिस्ट है आपको तैयार करनी है, वरना कोई बच्चा है वो रह जाएगा, यानी एक भी बच्चा छूट गया सुरक्षा का तंत्र है वो टूट गया भैया। देखिए यहाँ पर जो ऑनलाइन क्लासेज ले रहे हैं मोबाइल में नंबर सेव है, स्कूल के रिकॉर्ड में नहीं। अब स्कूल के जो कर्मचारी उनके पास सूचना नहीं है, हो सकता है कि स्कूल के जो मालिक है उनके पास सूचना, हो सकता है कि स्कूल के एक दो कर्मचारी उनके पास ये सूचना हो, लेकिन यार जो ऑफिशियल काम करता हो सकता है कि उनके पास ये जानकारी नहीं। तो ऐसे में डाटाबेस होना हर एक स्टूडेंट का बहुत ही जरूरी है। अगर आपने उसका नाम पीएसपी पोर्टल भी नहीं चलाया तो वो भी कोई दिक्कत नहीं, आगे अपडेट हो जाएगा, लेकिन डाटा आपके पास होना चाहिए। अगर अभिभावक ये वीडियो देख रहे हैं तो आपसे यार कोल्ड रिक्वेस्ट है मेरी, देखिए अभी तक यदि आपने अपने स्टूडेंट के दस्तावेज चाहे वो कक्षा 10 के हो या फिर कक्षा 12वीं के हो अगर स्कूल के अंदर नहीं जमा करवाए नए वाले में, अगर पुराने वाले में है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नए स्कूल में अगर आप एडमिशन दिलाना चाह रहे हो तो भैया दस्तावेज है टीसी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात को आप समझिए, टीसी आपको पुराने विद्यालय से कटवा के नए विद्यालय में आपको जरूर देना। और यहाँ पे अगर पुराने स्कूल वाले नाटकबाजी कर रहे हैं तो भैया सीधी कार्रवाई के लिए बोल दो, क्योंकि अब खैर नहीं चलेगी। मैंने बहुत देखा है ऐसे स्कूल वाले, उनके बहुत ऐसे भी रास्ते आपको मैं बता दूंगा, लेकिन उनको डायरेक्टली बोल दो अगर आपको नहीं पढ़ाना है, आपने पिछले स्कूल की फीस वगैरह वगैरह दे दी है, तो डायरेक्टली उनको बोल दो अब ये टीसी दे दो, अब आपकी बहानाबाजी नहीं चलेगी, क्योंकि सुनने में ऐसा रहा कोरोना चल रहा है कर्मचारी नहीं है वो वहां गया ये वहां गया, सीधा सीधा बोल दो कि भैया टीसी है वो देनी पड़ेगी, हम आपके पास नहीं पढ़ाएंगे, पैसा आपका दे दिया। हाँ अगर आप वहां पे पढ़ा रहे हो एक अलग बात है, लेकिन फाइनली सभी को ध्यान देना है, स्टूडेंट स्कूल साथी अभिभावक है, दस्तावेज आपको जमा करवाने हैं और स्कूल साथियों से पूछना है क्या मेरे बच्चे का फाइनली एडमिशन हो गया, क्या मेरे बच्चे का रिकॉर्ड आपके स्कूल के रिकॉर्ड में चढ़ गया, अगर हाँ तो बोर्ड फॉर्म भरे जा सकते हैं, वरना बोर्ड फॉर्म में वो नहीं भरे जाएंगे। बस यही जानकारी थी। इसके अलावा यदि बोर्ड फॉर्म 2020-21 को लेकर के यदि आपके और भी कोई सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। और हाँ दोस्तों, बोर्ड परीक्षा 2021 को लेकर के यदि आपके कोई क्वेश्चन है कोई सवाल है और आप ये चाहते हो कि आपके क्वेश्चन को मैं अगली मेरी क्यू एन ए वाली जो वीडियो है कमेंट बॉक्स वाली जो वीडियो है उसके अंदर मैं शामिल करूं ताकि उस पर खुलकर डिस्कस किया जा सके, तो जब भी आप कमेंट करो तो कमेंट में हमेशा हैशटैग बोलो राजगुरु जी है वो टाइप किया करो, उसके बाद अपना क्वेश्चन है वो लिखा करो, ताकि मुझे पता लग जाए कि भैया इस बिंदु पर या इस क्वेश्चन पर हमें खुलकर है अपने साथियों को वो बताना। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और वहां पर भी आप अपने सवाल है मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन जब भी सवाल पूछो तो वहां पर भी आपको टाइप करना हैशटैग बोलो राजगुरु जी और फिर अपना क्वेश्चन वो लिखना है, और हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर की आईडी भैया राजगुरु जी राज है जाके फॉलो है वो कर लेना। इसके अलावा चलते चलते एक जानकारी देना चाहूंगा, वो केवल स्कूल साथियों के लिए, और जानकारी ये है अगर आपके स्कूल को इस साल नवीन मान्यता मिली है, आपका विद्यालय कर्मोन्नति हुआ पहली बार कक्षा 9 से लेकर 10 तक यदि कर्मोन्नत हुआ, अभी तक आपके पास बोर्ड फॉर्म भरने के यूजर नेम और पासवर्ड नहीं है, तो भैया आप बोर्ड की वेबसाइट पे विजिट करके आप उनको मेल करें ताकि आपके उसी मेल आईडी पर वो आपके यूजर नेम है वो पासवर्ड भेजते हैं। अगर आपको यूजर नेम पासवर्ड अभी तक नहीं मिले हैं और प्रोसेस का नहीं पता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, अगली वीडियो में इसके अंदर आपको पूरी जानकारी है मैं बता दूंगा। और दोस्तों बताना आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो यार वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि अपने सभी साथियों को पता लग जाए कि भैया जो बोर्ड है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वो बोर्ड फॉर्म 2021 भरवाना है वो शुरू कर दे, उसकी जो डेट है वो आ गई, तो ऐसे में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अगर जानकारी आपको अच्छा लगी हो तो यार वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और चैनल पे नए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और केवल वीडियो ही देख रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, लाल वाले बटन को दबा देना, साथ में घंटे वाला जो बटन है वो भी दबा देना ताकि इस प्रकार की कोई और वीडियो डालूं तो उसका एक नोटिफिकेशन वो आप तक वो पहुंच जाए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।